This conference will now be recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ji kya hal hai sabka theek hai? Wa alaikum assalam. Faisal kya hal hai theek ho? Shuru Allah ke naam se jo bada meherban aur nihayat rehmane wala hai. Aap sabko SEO experts training ke is 24ve batch ke lecture number 25 mein khush aamdeed kehta hu aur उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अभी तक जो सिखाया समझाया वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की कमी रह गई है, कोई सवाल रह गया है, कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो आप लोग साथ साथ सवाल कर सकते हो। आप लोगों को तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे इंशाल्लाह। लास्ट टाइम आप लोगों को मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह असाइनमेंट्स सही जा रही हैं, असाइनमेंट्स भेज दी हैं आपने मुझे बना के। अच्छा, ये आप लोगों ने ना कल के लेक्चर से पहले पहले मुझे ये जो बेस बैकलिंक्स के मैंने आर्टिकल की साइट्स पूछी थी, 15 आर्टिकल की साइट, 10 वेब 2.0, 5 इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म और तकरीबन 25 साइट्स जो है आपकी नीड से रेलिवेंट जिन पे कमेंट्स हो सकता हो वो, और 5 सेटे क्वेश्चन आंसरिंग के प्लेटफॉर्म की आप लोगों ने मेरे साथ ईमेल पे शेयर करनी है। ठीक है, ताकि मुझे पता हो कि आप लोग साथ साथ काम कर रहे हो। जिसने एडसेंस की साइट स्टार्ट कर दी है बहुत अच्छा किया है, जिसने क्लिकबैंक की साइट स्टार्ट की है उसने भी बहुत अच्छा किया है, जिसने अमेजोन की साइट स्टार्ट की है उसने भी बहुत अच्छा किया है। क्योंकि कोई भी एक साइट आपने स्टार्ट कर दी ना तो आपने बहुत अच्छा किया है अपने साथ, क्योंकि आपने ट्रेनिंग में फीस पे की है। साइट स्टार्ट करो ताकि आप अपनी साइट को रैंक करवा सको। राइटर से कैसे आपने डील करनी है ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी सारा समझा दिया था। आज हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो है कि हमने कैसे विकीपीडिया के बैकलिंक बनाने हैं। ठीक है, ये विकिपीडिया है, विकिपीडिया अथॉरिटी की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और विकिपीडिया से लिया गया बैक लिंक हालांकि नो फॉलो होता है, टू फॉलो भी नहीं होता, नो फॉलो होता है, मगर इसके इसका जो लिंक है उसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है कि यहाँ से एक लिंक मिल जाना 1000 स्पैमी लिंक से पे भारी होता है। मीन्स के स्पैमी लिंक से मुराद जो सॉफ्टवेयर से लिंक बना कर देते हैं आपको फाइवर पे या ग्रुप्स में, डिफरेंट ग्रुप्स आप देखोगे आपको वहां पे लोग जो है बल्क में लिंक्स बना कर देने की आपको सर्विस दे रहे होते हैं, ये उन 1000 बैक लिंक्स पे भारी होता है विकिपीडिया का एक बैकलिंक। विकिपीडिया हाई अथॉरिटी साइट होने की वजह से आसानी से लिंक नहीं देती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, विकी ग्रैबर एक टूल है, इसके जरिए हम लोग डेड लिंक्स फाइंड करते हैं, डेड लिंक्स। ठीक है, पर मेरा जी मेक मैं एग्जांपल दूं, मेरे नीचे जी मेक मनी यहाँ पे हो, डेड लिंक्स वो वाहिद मेथड है जिसके जरिए हम लोग अपने लिंक रिप्लेस करेंगे और वहां पे
डेड लिंक की जगह पे अपना लिंक लगाएंगे, ठीक है। वो साइट है ये विकिपीडिया वाले। डेड लिंक वाला पेज हमने देखना है। डेड लिंक्स को विकिपीडिया के ऐसे पेजेस को ढूंढ के लाते हैं जहां पर डेड लिंक्स होते हैं, ठीक है। अब ये एक डेड लिंक है, सॉरी नहीं है, डेड लिंक वैसे इसने डेड की बात की तो ये दिखा रहा है। हम अब हमारे पास दो तरीका कार है विकिपीडिया से एडिटर, हम इतनी आसानी से इसके कंट्रीब्यूटर इतने आसानी से हम लोग नहीं बन सकते बेसिकली। तो हमारे पास जो तेज रास्ता होता है, जल्दी वाला रास्ता होता है, वो होता है डेड लिंक्स विकिपीडिया के फाइंड करके वहां पे लिंक लगाना, ठीक है। जब भी मैंने मेक मनी गवर्ड ढूंढा, मैं जस्ट मनी गवर्ड तो फिर देखने को शुरू हुआ, ठीक है। ये हमें यानी कि हमें अपॉर्चुनिटी का तो पता है कि हमने विकिपीडिया से लिख लेना है, मगर हम उसको अवेल कैसे करेंगे? इस तरह ढूंढते रहेंगे जहां पर हमारा डेड लिंक होगा। फॉर एग्जाम्पल विकिपीडिया में हमें डेड लिंक मिला है तो हमने इसमें अकाउंट बना के क्रिएट करके और दो तीन पोस्टों को हमने मतलब एडिट करना है उसको प्रॉपरली, पहले रीड करना है और उनमें अगर कोई मालूमात जो है वो, यानी कि हमने अपना ट्रस्ट लेवल पहले पैदा करना है। ऐसा नहीं है कि आके डेड लिंक को रिप्लेस कर देना, वैसे ही विकिपीडिया का जो बॉट होता है वो उड़ा देगा, हमारा अकाउंट ही उड़ा देगा क्योंकि उसको पता चल जाएगा। एक वक्त हुआ करता था ये जो एक्सटर्नल लिंक है इसको एडिट करके ना यहीं पर हम लोग लिंक लगा दिया करते थे, जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ। तो ये कोई नहीं उड़ाता था, अब जो है वो कंपेटिटर आपको उड़ा देते, ठीक है। तो इसलिए पब्लिश कर दिया करते थे कि पब्लिश भी हो जाता था, ठीक है, मगर हमारा कंपेटिटर आता था और वो आके उड़ा देता था अगर मतलब उसको पता चल जाए तो। अदरवाइज जो जिसने ये आर्टिकल जो है स्टार्ट किया है, जो भी हम फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल पढ़ रहे हैं, जो स्टार्ट किया है वो आकर अगर एज अ रेफरेंस हमारा लिंक लगा देता है, वो लिंक नहीं रिमूव होता। मेरी बहुत सारी साइट्स सिर्फ विकिपीडिया, मेरे पास ऐसा केस स्टडी भी है जिसमें सिर्फ विकिपीडिया से लिंक्स मिले 40-50 और उनका जो बैकलिंक्स या कह लो कि रेफरिंग डोमेन्स 40-50 मुख्तलिफ विकिपीडिया के पेजेस थे। तो गूगल एक वक्त था गूगल मल्टीपल बैकलिंक एक साइड से लो तो वो मल्टीपल बैकलिंक्स कंसिडर किया करता था, तब की बात है। तो मेरी साइट सिर्फ विकिपीडिया के बैकलिंक्स की वजह से रैंक हुई थी, ठीक है, और वो विकिपीडिया के जो एडिटर्स थे उन तक कैसे पहुंची, मैंने उनकी गूगल एडवर्ड में ऐड चलाई थी। गूगल एडवर्ड में ऐड चलाने से हमें ये फायदा होता है कि हमें वहां से रियल विजिटर मिलता है और वो लोग फिर मुख्तलिफ जगहों पे, जो फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्रीब्यूटर ने देख लिया किसी भी बड़े साइट का, उसने हमारा जो आर्टिकल है जिसमें हमने कंटेंट डाला हुआ है
हमारी वेबसाइट पे वो उसको एज अ रेफरेंस यूज करता है और हमें वो बैकलिंक मिलना शुरू हो जाता है, नेचुरल वे में बैकलिंक मिलना, चार पांच भी बैकलिंक मिल जाते हैं हमारी वेबसाइट पे, अच्छी खासी ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है। तो हमें नेचुरल बैकलिंक्स चाहिए होते हैं। हम ये जो कोशिश करें कि हम एक दफा विजिबिलिटी हासिल करने की कोशिश करें। एक्चुअल में हमारा गोल यही है कि हमने जो है हमें जो बड़ी बड़ी साइट्स वाले हैं वो खुद बैकलिंक दे, ठीक है, हमारा अल्टीमेट गोल यही है। उसके बाद हम आ जाते हैं अथॉरिटी के बैकलिंक्स की दूसरी टाइप, प्रेस रिलीज, पीआर। पहली वो बात जो किसी भी कंपनी के स्टार्ट में, स्टार्ट यानी कि कंपनी को स्टार्ट करते करने के बाद पहली न्यूज जो दी जाती है उसको प्रेस रिलीज बोला जाता है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, उसी तरह प्रेस रिलीज होती है। इंटरनेट पे बहुत कम लोगों को प्रेस रिलीज का, पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को प्रेस रिलीज का पता है, इंटरनेट पे इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। प्रेस रिलीज की बहुत सारी साइट है, उनमें से एक साइट है फॉर एग्जाम्पल PR.com, PRW.com, ठीक है, NewsWire.com। हमने हमने अपने जो साइट है उसको प्रेस रिलीज की साइटों से भी बैकलिंक दिलवाना है, जो कि एक अथॉरिटी साइट कंसीडर की जाती है, क्योंकि यहाँ से जो न्यूज होती है वो पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर्स में छपती है। तो ये जो प्रेस रिलीज है इसको अंडरस्टैंड करना है। प्रेस रिलीज बड़ी अजीब तरीके की होती है, मैं आपको प्रेस रिलीज दिखाता हूँ। ये एक राइटर जो 400-500 रुपए पाकिस्तानी लेता है एक आर्टिकल का, तो प्रेस रिलीज को लिखने का वो 1000-1200-1500 लेगा, क्योंकि प्रेस रिलीज में पहले टाइटल होता है, उसके बाद उसकी डेट, किस डेट को पब्लिश की गई, कहाँ पे पब्लिश की गई, उसके बाद स्टार्ट होता है प्रेस रिलीज, उसके बाद हमारी हमारा जो जो भी हमारी वेबसाइट है उसका लिंक बाज का देने देते हैं, बाज का अलाउ नहीं होता। उसके बाद कंपनी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है कि किसने ये प्रेस रिलीज पब्लिश की है, मींस कि प्रेस रिलीज में ये चीजें नेसेसरी हैं कि ये सारी चीजें होंगी तो प्रेस रिलीज पब्लिश होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और प्रेस रिलीज एक साइट पर जो पब्लिश होती है, तमाम प्रेस रिलीज की साइटों पे वही सेम पब्लिश होती है, और गूगल उसको डुप्लीकेट कंसीडर इसलिए नहीं करता है क्योंकि न्यूज तो एक ही तरह की होगी ना। कोई कंपनी स्टार्ट हुई है, अब वो कंपनी फॉर एग्जाम्पल कार्स की कंपनी है, तो अब वो कार की कंपनी चेंज होके बाइक की कंपनी तो नहीं बन सकती ना, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ना वो चेंज नहीं होती। इस वजह से न्यूज और प्रेस रिलीज ये बेसिकली एज इट इज पब्लिश होते हैं तमाम साइटों पे, और गूगल उसको डुप्लीकेट में कंसीडर नहीं करता। तो ये प्रेस रिलीज के बारे में बेसिकली इसको आपने अंडरस्टैंड करना। अच्छा, प्रेस रिलीज जो होती है वो कुछ साइटों पे फ्री होती है, मगर वो क्वालिटी की प्रेस रिलीज की साइट्स नहीं होती। प्रेस रिलीज जो है जैसे कि PR भाई ये पैसे लेते हैं और इन्होंने बताया हुआ कि कहाँ कहाँ पब्लिश करेंगे। अच्छा, जो प्रेस रिलीज होती है गूगल की जो न्यूज का सेक्शन है news.google.com, यहाँ पर भी डिस्प्ले होती है जो प्रेस रिलीज होती है। ये बेसिक पैकेज है $899 का, ये स्टैंडर्ड पैकेज है $189 का। जो बेसिक पैकेज है
वो जो है गूगल, याहू, बिंग, इधर भी हमारी जो प्रेस रिलीज होती है वो पब्लिश होती है, और जो स्टैंडर्ड है उसमें उन्होंने बताया है कि आपको ट्रैफिक भी मिलेगी सर्च इंजन से, और साइटें जो है ज्यादा साइटों पे प्रेस रिलीज हमारी पब्लिश होगी। जब हम कोई बड़ी कंपनी स्टार्ट करते हैं जिसका हमारा बजट फॉर एग्जाम्पल $10,000 $20,000 का होता है, तो हमें प्रेस रिलीज जरूर करनी चाहिए, क्योंकि प्रेस रिलीज से हमें विजिबिलिटी मिलती है, एक्सपोजर मिलता है, लिंक्स मिलते हैं, बैक लिंक्स मिलते हैं। रैंकिंग के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, एक ट्रैफिक है और दूसरा अथॉरिटी, जहां से हम लिंक लें वो अथॉरिटी साइट हो और ट्रैफिक भी हमें मिले, और ट्रैफिक भी जेन्युइन ट्रैफिक हो, फेक ट्रैफिक ना हो, बॉट की ट्रैफिक ना हो। मुख्तलिफ लोगों ने हिटलीप और इस तरह के सॉफ्टवेयर से ट्रैफिक देना शुरू कर देते हैं, वो फेक ट्रैफिक नहीं चाहिए, ठीक है? तो आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है। तो पीआर वेब पे आप $99 वाला पैकेज भी अगर करते हो तो ये भी हमें, हमारा जो कंपनी है, हमारी जो वेबसाइट है, चाहे एडसेंस की साइट है, हम किसी भी साइट के लिए हम ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि आपने कोई कंपनी स्टार्ट की है तब आप प्रेस रिलीज लो। मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि प्रेस रिलीज का एक्चुअल में मकसद क्या है। इसी तरह से इनकी भी प्राइसिंग है, ये अपने इनके अपने चार्जेस हैं, ये अपने बताते हैं कि हम कहाँ कहाँ आपकी प्रेस रिलीज पब्लिश करेंगे, ठीक है? इनका पैकेज $99 से स्टार्ट हो रहा है, गूगल न्यूज में जाएंगी, याहू न्यूज में जाएंगी, एसोसिएटेड प्रेस एज एड ऑन है, सोशल न्यूज बाज और इस तरह की और भी बहुत सारी साइट है, ठीक है? उन्होंने बताया हुआ है बड़े पैकेज में मजीद बेनिफिट्स दे रहे हैं, कहाँ कहाँ और साइट है, यहाँ व्यू लिस्ट में बताते हैं कि कहाँ कहाँ हम आपका आपकी न्यूज पब्लिश करेंगे। ये सारी साइट है, ये सारे यहाँ पर, यहाँ इन सब पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इतनी ज्यादा साइटों पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये पैसे इसी चीज के चार्ज कर रहे हैं, ठीक है? तो एक दफा आप प्रेस रिलीज करके देखो, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, और हम एसईओ में हमें क्वालिटी के बैकलिंक्स और क्वालिटी की ट्रैफिक चाहिए होती है, ठीक है? आज के लिए इतना ही, आप लोगों को कल के लेक्चर में मैं मजीद डिटेल में बताऊंगा हमारा जो बैकलिंक्स लेने के लिए, हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स लेने के लिए जो गेस्ट पोस्टिंग एंड पीबीएन है, उसके लिए आप लोग रेडी रहे, क्योंकि उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने जा रहा हूँ, और हम लोग हर दफा एक गेस्ट पोस्टिंग का सेटअप भी बनाते हैं, तो अगर आप लोग मिल के बनाना चाहोगे तो गेस्ट पोस्टिंग पर आपको लोगों को और पीबीएन का आप लोगों को फायदा भी बताऊंगा कि इसका फायदा क्या है और किस तरह से मिल के हम लोग एक सेटअप बना सकते हैं, ठीक है? आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज।